हमारे साथ में नवाबगंज नगर पालिका गेट पर मौजूद है सफाई कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाल्मीकि जी। आपको बता दें, कई दिन से नवाबगंज में एक विवाद चल रहा है। एक सफाई कर्मचारी का आरोप है कि उनके साथ में अवहेलना की गई, उसको लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी की ये लोग मांग कर रहे हैं। तो इनसे पूरा मामला पूछते हैं, आखिर है क्या जी? आप हमारे पास आज प्रेम पत्र दिया है कर्मचारियों ने संगठन के लिए। संगठन इस चीज के लिए बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। जब तक जेल पर जाएंगे नहीं, जब तक हम मानेंगे नहीं, काम बंद, हड़ताल भी होगी, हम रोड पर भी उतर आएंगे, हम बख्शेंगे बिल्कुल नहीं। नहीं, वो क्या गया? क्या बात हुई थी? अब वो ये लोग बताएंगे। फिलहाल आज आपने जो ज्ञापन दिया है, जो आपने शिकायत करी है, इसमें क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपने जो ज्ञापन दिया है उसमें ये कहा है कि वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी है उनको छोड़कर जो अदर कास्ट के सफाई कर्मचारी है वो वहाँ पर जाए, कर्मचारी वहाँ पर काम करें। ये लोग गैर कास्ट वाले जो हैं वो वही काम करेंगे जहां हम नहीं जाएंगे। गैर कास्ट वाले कहां काम कर रहे हैं? क्या सफाई कर्मचारी की पोस्ट है? नहीं कर रहे हैं, उनसे और काम दिया जा रहा है। उनसे और काम दिया जा रहा है? और काम दिया। सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे हैं वो? सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर हैं, इनसे और कार्य लिया जा रहा है, इन्हें कुर्सी बैठाला जा रहा है। 10 साल हो गए इन्हें। सफाई कौन कर रहा है सर? सफाई वाल्मीकि कर रहे हैं। सफाई सिर्फ वाल्मीकि कर रहे हैं? जी हाँ। गांधी जी क्या कहना चाहेंगे जो ये आरोप लगा रहे हैं कि सफाई के जो अभियान जो काम चल रहा है इस समय वो वाल्मीकि समाज के लोग कर रहे हैं, अदर कास्ट के लोग सीटों पे बैठे हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, क्या कहेंगे? महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव आयोजन समिति का अध्यक्ष होने के नाते एक समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति, और दूसरी चीज वाल्मीकि समाज का जब उत्पीड़न होता है तो उस पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा सचिन जी, नगर पालिका में वाल्मीकि समाज के लोग जो सफाई कर्मचारी के पद पे हैं वो काम कर रहे हैं, सफाई का कार्य कर रहे हैं हर जगह, लेकिन जो अदर कास्ट के बैकलॉग के स्थायी सफाई कर्मचारी हैं वो दफ्तर पर विभिन्न पटल पर बैठा दिए गए हैं, बाबू बना के उनसे काम लिया जा रहा है। और इसी तरह से आउटसोर्सिंग में अगर अदर कास्ट का कोई भी है, वाल्मीकि समाज से इतर अन्य जाति वर्ग का कोई भी कर्मचारी है, तो उससे सफाई नहीं कराई जा रही है। ये वाल्मीकि समाज के साथ में खुल्लम खुल्ला भेदभाव नगर पालिका नवाबगंज के अंदर हो रहा है। ये कब से चल रहा है? ये बड़े लंबे समय से चल रहा है, दसियों साल से ये भेदभाव इसी तरह कायम है। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए ही नगर पालिका में खासतौर से सत्ता परिवर्तन किया गया था, लेकिन उसका नतीजा अभी शून्य दिखाई दे रहा है। बदलाव नहीं आया है। सफाई कर्मचारी जो अदर कास्ट के हैं वो बाबू बनके नगर पालिका के पटलों पर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं बाबूगिरी का, और वाल्मीकि समाज के लोग चप्पलें खा रहे हैं, गलियों में चप्पलें मार मार के उनको जो है उनकी तौहीन की जा रही है, उन्हें जाति सूचक शब्द बोले जा रहे हैं जो मैं आपके चैनल पर नहीं बोल सकता हूं, जिनको प्रतिबंधित किया गया है उन शब्दों को, ऐसे शब्द बोल बोल के उनकी तौहीन की जा रही है। और ये बहुत ही निंदनीय है, एक महिला ने अभी 22 तारीख को मुस्लिम बस्ती में हाजरा पत्नी अकरम ने वाल्मीकि सफाई कर्मी राजपुत्र राज बहादुर की चप्पलें मार मार के पिटाई की है, और उसे जाति सूचक शब्द भी बोले हैं, अश्लील गालियां भी दी हैं। इस सबके बावजूद मुकदमा दर्ज हुआ है एसटी एक्ट के अंतर्गत, लेकिन फिर भी अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। इस सब को लेके वाल्मीकि समाज में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि अदर कास्ट के लोग सीटों पे बैठे हैं, बाबू की पोस्ट पे बैठे हैं, कौन लोग हैं उनके नाम बताएंगे आप? जहां तक मेरी जानकारी में है, यहां पर सफाई निरीक्षक वर्तमान में मौजूद नहीं है, अमर सिंह राठौर से सफाई निरीक्षक का कार्य कराया जा रहा है, पूरी पटल को वो देख रहे हैं, सारे सफाई कर्मचारियों के होलसोल इंचार्ज बने हुए हैं जो कि स्वयं एक बैकलॉग के सफाई कर्मचारी हैं। इसी प्रकार से दूसरा पटल जन्म मृत्यु प्रभारी का पटल है, जिस पर रघुवर यादव नाम का एक कर्मचारी बैठा हुआ है जो भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों पर घिरा हुआ है, फिर भी उसको वहां से पटल उसका परिवर्तन करके उसको झाड़ू लेके सफाई कर्मचारी का काम करने के लिए उसके हल्का क्षेत्र में नहीं भेजा जा रहा है, बाबू की सीट पे बैठा लिया है। इस प्रकार से एक डीके नाम के कर्मचारी हैं और बहुत सारे कर्मचारी हैं, लगभग इनकी संख्या 13 बताई जाती है। इसी प्रकार से जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं जो वाल्मीकि समाज से इतर अन्य जातियों के हैं वो भी सफाई कार्य से अलग अन्य कार्यों पे लगाए गए हैं। एक सफाई कर्मचारी राजपाल नाम का है, उसको बाकायदा थैला लटका दिया गया है और वो जल मूल्य की वसूली 2012 से अब तक की गलियों में करते हुए घूम रहे हैं। आपने बात करी चेयरमैन पति से, ये व्यवस्था जो पहले से चल रही है खराब, उसे ठीक करें? जी हाँ, मैंने पत्र तैयार किया है और पत्र की प्रतिलिपि मैंने आपको दी है। ये पत्र मैं जो है आदरणीय चेयरमैन साहब को सौंप रहा हूँ आज, और इससे पूर्व में भी जब चुनाव चल रहा था तब भी मैंने इस बात को उठाया था और उन्होंने कहा था कि मेरे लिए सारे कर्मचारी बराबर होंगे, ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि समाज का है तो वो सफाई करेगा और अदर समाज का है तो वो बाबूगिरी करेगा। ये उस समय का उनका समय कितना हो गया चेयरमैन बने हुए? उन्हें चेयरमैन बने हुए लगभग 3-4 महीने का तो समय हो ही चुका है। हुआ कुछ बदलाव आया? लेकिन इस अदर कास्ट के लोग हैं, कोई रत्ती भर बदलाव नहीं आया है, कोई रत्ती भर बदलाव नहीं आया है। माननीय चेयरमैन साहब ने नाली में तो हाथ डाला, नाली में से कीचड़ निकाला,
और उसके बाद जब पूरे के पूरे गर्दन तक के नालों में सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के कूद गए, पूरे नाले तली झाड़ साफ कर दिए गए, उसके बाद उनको मक्खी की तरह, दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया गया। ये बदलाव आया है। उस पूरे नाला सफाई प्रकरण में किसी भी अदर कास्ट के एक भी सफाई मजदूर को नहीं लगाया गया। उस समय वाल्मीकि सफाई कर्मचारी दिखाई दे रहे थे कि वो भरी बरसात में नैया को पार लगाएंगे और तली झाड़ नाले साफ करके इस नगर को जल भराव से मुक्ति दिलाएंगे। उस समय दिखाई दे रहे थे, लेकिन कार्य निपट जाने के बाद निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसे जा रहे हैं जैसे कि कुछ जानते ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा मैं दूसरा मुद्दा यह है कि जो नगरपालिका मार्केट है, इसमें नोटिस नगरपालिका द्वारा जारी हुए, आपकी जानकारी में होगा, काफी सोशल मीडिया पे हंगामा था आज से 2 महीना पहले की नोटिस काटे जा रहे हैं, इसका नोटिस, उसका नोटिस, और कोई अगर अपूर्ण निकल रहा है तो उसे ध्वस्त करा जाएगा, इस तरीके की चर्चाएं थी नवाबगंज में। उसके बाद का आपको पता है, उसके बाद में नोटिस कटे, उसका जवाब क्या मिला, क्या हुआ, उसमें कुछ पता लगा आगे? जी, इसमें जनता को तो कोई जानकारी नहीं मिली है। जनता के संज्ञान में केवल इतना ही आया, हमारे भी संज्ञान में केवल इतना ही आया कि हाँ, लाल मार्केट की दुकानदारों के नोटिस काटे गए, उनसे कागजातों की मांग की गई कि उनके पास क्या जायज और उचित कागजात हैं उनके पास, जिसके आधार पर वो दुकानों को खोल करके और अपना व्यापार कर रहे हैं। ये सब नोटिस उनको कटे, लेकिन उसके बाद उन नोटिस में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, नहीं लगता है, जानकारी नहीं है उसके बारे में। आपको बता दूं, जब नगर पालिका का चेयरमैन सहलत आए थी तब तमाम तरह के आरोप लगते थे, किताब आवंटन हुआ है, सरकारी नियमों के विपरीत हुआ है, 1,50,000 रुपए 50,000 की रसीद कटी है, 20-20 लाख रुपए की दुकानें कटी, इस तरीके के आरोप लगते थे। अब आरोप लगने के बाद में सत्ता परिवर्तन हुई, चेयरमैन दूसरे बने, उन्होंने नोटिस जारी करे, तो नोटिस का जो जवाब आया है उन पत्रावलियों में क्या है अंदर, पूर्ण है या अपूर्ण है, शासी अधिकारी चेयरमैन दोनों के हस्ताक्षर से वो आवंटन हुआ है या सिर्फ एक से हुआ है, क्या उसमें सत्यता है, तो लोगों सामने नहीं आनी चाहिए, आपको नहीं लग रहा है? देखिए, ये सारी चीजें लोगों के सामने आनी चाहिए, बेहतर होगा। मैं इस संबंध में आपसे निवेदन करूंगा कि आप चेयरमैन पति आदरणीय नीरज सिंह राठौर जी से और नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रेम लता राठौर जी से इस बात की जानकारी करें, क्योंकि पब्लिक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। नोटिस कटे, उन नोटिसों में क्या निकल के आया, क्या गड़बड़ियां हैं या नहीं है, इस सब के बारे में जनता को जानने की जरूरत है। जनता जानना चाहती है, शासन बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। और मैं तो सिर्फ इस बात को कहूंगा, चुनाव के दौरान वाल्मीकि समाज ने भरपूर 100% बैकअप देते हुए हर जगह माननीय नीरज सिंह राठौर का आरती पूजन करके, और हमने तो मंदिरों पर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करके विकट दुआएं की, तब जाके ये दिन देखने को मिला कि नगर पालिका जो है जंगल राज से मुक्त होगी। लेकिन नगर पालिका से जंगल राज मुक्त होने का नाम नहीं ले रहा है, इस बात का हमें बेहद दुख है, अफसोस है। और उल्टा आज वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी की चप्पलों से पिटाई हुई है, तो और भी ज्यादा हमें आक्रोश है। नहीं, आप ये कह रहे हैं नाला सफाई के दौरान बहुत से ऐसे सफाई कर्मचारी थे जो घायल हुए, वो क्या नगर पालिका में अब भी कार्य कर रहे हैं, हटा दिया गया? जी, ऐसे कर्मचारियों को हटा दिया गया है, ये कहा गया है उनसे, भाई नाले सफाई तक ही आपको सफाई मजदूरी पर रखा गया था, अब हमारा कोई बजट नहीं है, हम आपको आगे नहीं चला सकते। मेरा यह कहना है, जब आपका कोई बजट नहीं था आगे चलाने का, तो हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को ही नाले में क्यों उतारा? अड्डे पर जाते, लेबर अड्डा से लेबर लेके आते, दिहाड़ी पे काम कराते, कोई हमें इसको आरोप लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, आपका काम हो जाता और फिर देखते कैसे तली झाड़ नाला साफ होता, फिर आपको पता चलता कि हाँ तली झाड़ हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, इसके अलावा कुछ लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप नाराज इसलिए हैं कि आपने कुछ कार्य के लिए कहा होगा, वो कार्य आपका नहीं हो पाया इसलिए आप नाराज हैं, ये वजह ये तो नहीं है? मैं अपने किसी व्यक्तिगत कार्य को कभी प्रतिष्ठा का इशू नहीं बनाता सचिन जी, व्यक्तिगत कार्य भी होता है तो मैं एक बार कहता हूं और कहता इसलिए हूं, अगर मैंने आपके साथ कहीं ना कहीं कोई सहयोग किया है तो मुझे कहने का अधिकार है या नहीं, आप बताइए? बिल्कुल बिल्कुल कहने का। जब मैं पूरी आपकी बरात को, एक बराती नहीं बल्कि एक जो है उसके आयोजन का एक हिस्सा बनके पूरा पूरा सहयोग कर रहा था, तो क्या मुझे इतनी सी बात कहने का अधिकार आज है या नहीं, जब मैंने मंजिल पा ली है, जब आपको सीट पर बैठाने का जो सपना हमने देखा था वो पूरा हो गया है, उसके बाद क्या मुझे इतनी सी बात कहने का अधिकार नहीं रहा? बिल्कुल, अपनी मांग रखने का अधिकार हर व्यक्ति के लिए है। और वजह क्या हो गई जब आपने मांग रखी, उसके बाद से आप दोनों के संबंध थे वो दूरियां बन गई उनमें? सचिन जी, मुझे लगता है, देखिए बरगलाने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, मुझे लगता है कि और दो चीजें होती हैं, एक व्यक्ति होता है कच्चे कानों का, एक व्यक्ति होता है पक्के कानों का। पक्के कानों का जो व्यक्ति होता है वो चाहे उसे कोई भी बरगला जाए, लेकिन वो अपने व्यक्ति में पूर्ण निष्ठा और भरोसा रखते हुए सुनता सबकी है, लेकिन अपने व्यक्ति पर विश्वास रखता है। इसके अलावा मैं लास्ट में आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, जो आप ये कह रहे हैं अदर कास्ट के जो लोग हैं वो बाबुओं की पोस्ट पर रहते हैं और वाल्मीकि समाज के लोग सफाई कर रहे हैं, तो क्या करेंगे वो लोग भी सफाई करें, सबके साथ में समान कानून लागू हो, सभी जो सफाई कर्मचारी की पोस्ट के हैं, चाहे वो अदर कास्ट के हों चाहे वाल्मीकि समाज के हों, वो सफाई ही करें, इसके लिए क्या करेंगे आप? जी हाँ सचिन जी, इसके लिए बाकायदा हम माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर कार्रवाई कर रहे हैं,
हम जिलाधिकारी महोदय को पत्र भेज रहे हैं, एसएसपी साहब को भी भेज रहे हैं, सफाई कर्मचारी आयोग को भी लिख रहे हैं, महिला आयोग को भी लिख रहे हैं, और जितना भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सबको इस चीज से अवगत करा रहे हैं कि नगर पालिका परिषद नवाबगंज में बाल्मीकि समाज के कर्मचारियों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है, अदर कास्ट के लोगों को सफाई कार्य से बचाया जा रहा है और सफाई का कार्य केवल बाल्मीकि समाज के कर्मचारियों से लिया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो आपके बाल्मीकि समाज के जिस मामले को लेकर आप खड़े हैं यहाँ पर, जो आप बता रहे हैं जो अभरता हुई है, तो उसमें वीरेंद्र सिंह राठौर थाने भी पहुंचे, शायद उनकी पैरवी को मुकदमा भी दर्ज हो गया, तो मुझे लग रहा है आपके पक्ष में कार्य कर रहे हैं कुछ लग रहा है आपको। जी हाँ, नगर पालिका अध्यक्ष ने पूरा अपना सहयोग करते हुए थाने भी गए और वहां पर जाके कर्मचारियों के पक्ष में अपनी बात रखी, कोतवाल महोदय से बात की, सीओ साहब से भी बात की, और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें उन्होंने सहयोग किया है, जो उन्होंने सहयोग किया है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आज आपकी वार्ता हुई, आप ये कह रहे हैं संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया, ये क्या है सर? जी आज जो वार्ता हुई है उन्होंने ये बताया कि इसमें जांच पड़ताल का विषय है, जांच पड़ताल होगी, उसके बाद में आगे कुछ होगा। देखिए 22 तारीख की घटना है और जो आरोपी महिला है वो भी तरह तरह के आरोप संबंधित कर्मचारी पर लगा रही है, दो तारीख का वो अपना घटनाक्रम दिखा रही है। ऐसे में ना तो सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष रमेश जी उसको गिरफ्तार करने जाएंगे, ना ही महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष मदनलाल गांधी उसे गिरफ्तार करने जाएंगे, ना ही कोई अन्य गिरफ्तार करने के लिए जाएगा। उसकी गिरफ्तारी का तो सारा जो भी प्रक्रिया होनी है वो थाना पुलिस के माध्यम से ही होनी है। जांच से पहले हो, जांच के बाद में? उनका कहने का मतलब ये, जांच पूरी हो जाए उसके बाद में कार्रवाई होगी। देखिए जांच के लिए पर्याप्त समय तो दे दिया गया है, आखिर जांच क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही है? हमारा ये भी मुकदमा दर्ज हो गया है, जांच आगे बढ़नी चाहिए। वो तरह तरह की अपनी मनगढ़ंत योजनाएं बना के और निर्दोष सफाई कर्मचारी के प्रति तमाम तरह के आरोप लगा रही है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, जो वो महिला है उसका ये कहना है कि आपके जो सफाई कर्मचारी हैं जिनके साथ में आप पैरवी में खड़े, इन्होंने उनके साथ में वार्ता करी, उनके साथ में अश्लील बातें करी, ये बात ठीक है? ये सरासर बेबुनियाद है। आप उनके मोहल्ले में चले जाइए, वहां पर आप छानबीन कर लीजिए। वो एक तरह उसका तो ये पेशा बन गया है कि लोगों को छेड़खानी के मुकदमे दर्ज करना कराना उनके ऊपर और उनसे मोटी रकम वसूल करके फिर आपस में समझौता कर लेना, इस तरह की बातें उसके बारे में सुनने को मिली है।